ऑल राइट, हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम है जस्टिन और आप देख रहे हैं रेसलिंग ऑडियंस चैनल। तो मनी इन द बैंक के पेपर व्यू के लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि मनी इन द बैंक के पोस्टर से काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार्स हट चुके हैं, लाइक रोमन रेंस, लेजनर, और अब बॉबी लैशली ने एकदम डायरेक्ट चैलेंज दे दिया हमारे रोमन रेंस को WWE टाइटल के लिए। और इसके अलावा वीडियो में और भी अपडेट्स होने वाली हैं, तो यार वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, आप लोगों को काफ़ी कमाल की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो फिर आप सभी का बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। और यार जो भी चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पर आप सभी को WWE के फास्टेस्ट अपडेट और भी काफ़ी अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलता है। तो ठोक दो सब्सक्राइब बटन यार, मेरी भी थोड़ी सी हेल्प कर दो। फर्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी है हमारी स्टेफनी मैकमैन से, और मैंने आपसे वो काफ़ी टाइम पहले एक अपडेट दी थी कि स्टेफनी मैकमैन थोड़े टाइम के लिए अपनी पोस्ट से ले रही है ब्रेक, जो कि वो चीफ ब्रांड ऑफिसर है आई थिंक। तो स्टेफनी मैकमैन के बारे में WWE ने ऑफिशियली स्टेटमेंट रिवील कर दिया है कि क्यों वो ब्रेक ले रही हैं। और ब्रेक में केवल इतना लिखा हुआ है, मैं मतलब ब्रेक कह रहा हूँ, स्टेटमेंट में केवल इतना लिखा हुआ है कि स्टेफनी मैकमैन को चाहिए अपनी फैमिली के लिए ब्रेक, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, वो फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं और कुछ इश्यूज़ भी हैं फैमिली के, इस चक्कर में स्टेफनी मैकमैन ने लिया है WWE से ब्रेक। तो WWE ने इस चीज़ के बारे में ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दी है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी है हेल इन ए सेल के टिकट से, जो कि हो चुके हैं सोल्ड आउट, और WWE ने इसके बारे में ऑफिशियली ट्वीट डाल दिया है कि हेल इन ए सेल के जो टिकट्स हैं वो ऑफिशियली हो चुके हैं सोल्ड आउट। बाकी टिकट्स वगैरह सोल्ड आउट हो चुकी हैं, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि शो कितना बेटर होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी है हमारी वीर महान से, और वीर महान ने एक क्रिकेट ट्वीट किया है, और उन्होंने आई थिंक WWE के ऊपर एक थोड़ा सा शॉट लिया है, या फिर कहते हैं वो WWE से कुछ बात मनवाना चाहते हैं। और वो ट्वीट आप लोग ने इसी पर देखे रहे होंगे, जहाँ पर जो हमारे वीर महान हैं वो ये बता रहे हैं कि लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें मुझे कुछ चीज़ चाहिए, और उन्होंने तीन पॉइंट लिखे हैं उस ट्वीट में, और एंड में जो पॉइंट है जो कि है चेंज। और वीर महान कहते हैं कि जो चेंज वाला पॉइंट है वो मुझे चाहिए, और मुझे चेंज वाला पॉइंट काफ़ी पसंद है। तो वीर महान यहाँ पर चाहते हैं अपने कैरेक्टर में आई थिंक को चेंज, और वो WWE से इस ट्वीट के चलते कुछ डिमांड भी कर रहे हैं। बाकी आप लोग जो भी सोचते हो इन सभी चीज़ों के बारे में, उसके बारे में आपसे भी नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी हमारी तोमैसो चैंपा से, और एज ने अपने ट्विटर अकाउंट पे तोमैसो चैंपा की फोटो पोस्ट की थी, जहां पर उन्होंने टीज किया था कि चैंपा भी पॉसिबली ज्वाइन हो सकते हैं जजमेंट डे की टीम में। और इसी को लेकर जो हमारे तोमैसो चैंपा हैं वो बात करते हैं अपने रिसेंटली इंटरव्यू में कि जो मैं हूँ वो भी रियल लाइफ में जीना चाहता हूँ, जो मेरी रियल लाइफ में चल रहा है, जो मेरी प्रेजेंट में चल रहा है, मैं उसको जीना चाहता हूँ। और उन्होंने बात करी कि हाँ एज ने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता, उसने लाइक्स के लिए किया, अटेंशन के लिए किया, लेकिन मैं प्रेजेंट में जीना चाहता हूँ, उन्हें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। तो तोमैसो चैंपा ने खोल के तो बात नहीं करी है, लेकिन उनको भी इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और मेरे हिसाब से तोमैसो चैंपा जरूर से ज्वाइन होंगे, क्योंकि उनके रूमर स्टार्टिंग से आ रहे हैं, और साथ साथ फिन बैलर के भी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी हमारी बॉबी लैशली से, और बॉबी लैशली ने एकदम डायरेक्ट चैलेंज ठोक दिया हमारे रोमन रेंस को। और बॉबी लैशली कहते हैं कि करंटली मंडे नाइट रॉ पर एक भी वर्ल्ड टाइटल नहीं है, और मैं लाना चाहता हूँ वापस से मंडे नाइट रॉ पर वर्ल्ड टाइटल, और वर्ल्ड टाइटल अभी रोमन रेंस के हाथों में, और मैं उससे मैच लड़ूंगा ही नहीं बल्कि जीतूंगा, और वापस से चैंपियन बन के रॉ पर एक मेन टाइटल ले आऊंगा। तो पर बॉबी लैशली ने करंटली अभी डायरेक्ट चैलेंज ठोक दिया हमारे ट्राइबल चीफ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस को। और मेरे हिसाब से यार लैशली को अब यूनिवर्सल चैंपियनशिप को लेना चाहिए और वापस उसको रेड कर देना चाहिए। बाकी आप लोग अपने थॉट्स बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अब फाइनली बात कर लेते हैं हम लोग आज की हमारी नेक्स्ट टाइम फाइनल अपडेट की, जो कि जुड़ी है इस साल के मनी इन द बैंक के पेपर व्यू से, या फिर कहे तो प्रीमियम लाइव इवेंट से। और अगर इसको लेकर एक काफ़ी बड़ी अपडेट है, या फिर कहे तो हम लोग इसे बैड न्यूज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पोस्टर में से शार्लेट फेयर, बॉबी लैशली, रोमन रेंस एंड लेजनर को हटा दिया गया है, जो कि मनी इन द बैंक का ऑफिशियली पोस्टर था। और वो पोस्टर कुछ इस तरीके से बन चुका है, जहाँ पर सेंटर में आ चुके हैं कोडी रोड्स, रिया रिपली और बाकी सुपरस्टार आप लोग देख ही रहे होंगे। तो क्या इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि मनी इन द बैंक में भी रोमन रेंस नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जो हाल हेल इन ए सेल के पोस्टर का हुआ है वही हाल मनी इन द बैंक के पोस्टर का भी हुआ है। और यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर तो स्टिल पोस्टर में है, लेकिन लैशली, शार्लेट, रोमन रेंस, लेजनर, इन लोगों को WWE ने पता नहीं क्यों पुल्ड आउट कर लिया है। और ये पोस्टर सीन रूफ फाइट फॉर सिलेक्ट की तरफ से आया है, जो कि काफ़ी ट्रस्टेड सोर्स है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में, मुझे आप लोग कमेंट करके जोर से बता देना। तो वेल हमारी जो आज की वीडियो थी वो वहीं तक की थी, अगर पसंद है तो लाइक बिना कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल कॉन, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचती रहे। सो वी विल सी माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।